अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हाँ तड़ा अपना होस्ट बाबा जी, हमेशा की तरह कुछ नवा लैके मुगलई इट के बने हुए खूबसूरत शाहकार सिखा शाही तो ही पहले दे लग रहे हैं। लेकिन यह दौर जिहड़ा सी इस जगह दे उत्ते पंजाबी कल्चर एंड हैरीटेज इन्ना क्रिच है कि मैं तुहानू दस नहीं सकता। मेरिया अखां जिहड़ियां ने मैनू यकीन नहीं आ रहा कि मैं सारा कुछ शिव कुमार बटालवी दे पिंड आके जिन्हों के बड़ा पिंड जरपाल कहा जाता सी, ये बड़ा पिंड जरपाल दे विच तुसी देख रहे हो सारा कुछ। यह देखो तुसी, यह ताचे देखो, यह ताचे देखो, यह कोई दफ्तरी अदालत मैं लग रहा कि बड़ा पिंड रही है कभी। बड़ा पिंड जिहड़ा इहदा बड़ा मुकाम सी इस जगह दे उत्ते, इत्थे तहसीलदार बकायदा बैठता सी इत्थे आके। वल्ला आलम समाने की सितम जरीफी तुसी देखो कि किन्ना किन्ना शाहकार अठ अठ फुट मिट्टी दे नाल दबिया गया थले, और खूबसूरत चीज़ां जिहड़ियां ने वो दबियां गईयां ने इहदे विच। यह तुसी देखो जोत जलाने वास्ते किन्नियां खूबसूरत चीज़ां जिहड़ियां सन वो बनाईयां गईयां सन। फिर यह दरवाज़ा तुसी देख सकते हो कि घट्टो घट्ट 6 फुट हुंदा है, तो इस वेले जिहड़ा सिर्फ 2 फुट 1.5 फुट बाकी बचिया। राइट साइड दे उत्ते भी तुसी देख सकते हो, और जा बजा खंडरात दे विच इन्ना कुछ है कि इंसान देखदा देखदा थक जांदा है। यह पुराना कोई अदालत गड़ा लगता है। किड्डी खूबसूरती नाल जोत जगाने वास्ते जगह बनाई जाती होएगी। ब्यूटीफुल मैं कहांगा ए वजे जंदरे अज भी दरवाजिया नू, क्या बात है। खूबसूरती दी एक अलामत है। ऑफिस में मैं क्यों कह रहा वा, कोई अदालत टाइप क्यों दफ्तर कह रहा वा, यह देखो तुसी खुद अंदाज़ा ला लो। ताकचे लकड़ी दी अलमारी, और हर एक दे अंदर 3-4 जिहड़ियां बनिया हुई अलमारियां ने। फिर यह देखो तुसी इधर भी सेम उस तरह ही है, यह जोत जगाने वालियां जगह। और अलमारियां दे विच फिर अगे जिहड़ियां ने जोत जगाने वालियां यह रखिया हुई ने। इहदा मतलब है कि ब्रिटिश अंपायर का हुंदा ते इत्थे बिजली का कोई सिस्टम होना सी। इस सिखा शाही दे विच या खालसा राज दे भी इट नहीं लगी हुई, क्योंकि इट इहदे विच छोटी यूज़ हुई है, क्योंकि खालसा राज दे विच उतले बनेरे जिहड़े ने वो वड्डी इट दे लग रहे ने। यह तुसी देखो इह थले मुगलई दे उत्ते जिहड़ी यूज़ हुई है नानक शाही। इस वास्ते इहदा इरा जिहड़ा उस तो पहले दा हो सकदा। आओ तो हम अंदर ले चलना मैं। यह देखो तुसी फाइन दीवारां बनिया हुई सी, बहुत ही वधिया आर्कीटेक्चर है। बड़ा पिंड जरपाल शिव कुमार बटालवी दे पिंड आया सी मैं। इस तरह अंदर भी आर्चिस बनी हुई ने, लैफ्ट ने राइट ने। यह देखो 3-3 जड़ियाँ मैं तुम्हें दस रहा सी, और उस तो बाद उत्तों छत्तां जड़ियाँ ने, और शतीर पे हुए लकड़ दे वही पुरानियाँ यादा पुराने वक्तां दियाँ जिन्हां लैके मैं अक्सर उदास भी हुंदा वा। और पंजाबी कल्चर एंड हेरीटेज की जो गल करना वा, मैं कहना वा कमाल कमाल सी लोगों के माइंड उस वेले, और कमाल सी उन्हां दी तर्ज़े तामीर जिहड़ी वो करदे सन। यह तुसी देखो फुल, ये फुल जिहड़ा सी मुगलई दौर दे विच यूज़ होया है। शायद हो सकता है खालसा दौर दे विच भी यूज़ होया होवे,
लेकिन जिहड़ी तरज़े तामीर है वह प्योरली मुगल आर्कीटेक्चर है। और कुछ कुछ अगर तुसी कहो कि एक्सटेंड करो खालसा आर्कीटेक्चर नूं तो वह एटलीस्ट जाके बन जाता सी सिख आर्कीटेक्चर। फिर कहांगा उजड़ गए वो बाग जिसके लाखों माली थे। कदे इत्थे आम बंदे दी रसाई नहीं होएगी, कदे आम बंदा इत्थे आ नहीं सकदा होएगा इस गड़े दे विच। ते अज तुसी देखो इत्थे सब कुछ उजड़ गया बिल्कुल और सब कुछ वीराने च पिया होया है। मेरा वंडिया गया पंजाब किसे दा की गया है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਬੈਂਕ ਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਔਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲ ਆਫਿਸ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਖੂਹ ਸੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਇਹ ਖੂਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਸੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਰਿਮੇਨਸ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਥ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਓਮ ਦੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੋਸਤ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਬਜਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੀੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਹ ਰਿਮੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਖਿੜਕੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ੋਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਵੱਡੀ ਔਰ ਉੱਚੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਟੀ ਆਫ ਵਿਲੇਜ ਆਫ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ, ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਚਿਰਪਾਲ।